हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका नितेश सर फिर से आपके सामने इंटीग्रल को लेकर आ गया हूँ। 7.1, 7.2 आपने प्रीवियस वीडियो में देखा और आपने अच्छे से समझा भी होगा। काफी लोगों ने बताया कि मुझे काफी समझ में आया, तो फिर मैं अगला वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें मैं एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 को कवर करने जा रहा हूँ। अब देखो, 7.3 जो एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली बेस्ड है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला या ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको आता है तो आराम से इस एक्सरसाइज को आप कर पाओगे। जैसे मैं कुछ फॉर्मूला बताता हूँ जिसको आप एकदम दिमाग में रखो। जैसे एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस एक्स, एक ये हो गया। एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब इसको यूज करेंगे अभी, जैसे क्वेश्चन में अभी कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अप्रोच का कैसे लगाना है, मतलब सोचना कैसे। कभी क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे तो इसको सोचोगे कैसे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर कुछ फॉर्मूला है जैसे साइन क्यूब एक्स वाला फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है मैं इसको सीधे क्वेश्चन में बताऊंगा। अभी अभी कोई जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो ये दोनों पहले इसको ध्यान दिमाग में रखो। जैसे मैं एक कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, मान लो आपके लिए चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ये एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन है, 7.3 का इस एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है। ये है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। चलो अगर आपको आता हो तो फटाक से स्किप करो, नहीं आता है तो पहले पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, फिर पता करो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देन आपको आगे देखो इसको। अब साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, अब आपको पता है कि डायरेक्टली इसमें इंटीग्रल नहीं लगा सकते, ऐसे केस में आप इसको कॉस में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x, तो x की जगह ये है पूरा 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx। ये सीधा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स का, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स यहां से अगर निकालोगे तो यही आएगा कि ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, यहाँ पे जब 2x होता तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स होता। नहीं समझ में आ रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये होता 1 माइनस कॉस 2x, ठीक, तो यहाँ पे आता 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। अब देखो मुझे, जैसे मैंने इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया साइन स्क्वायर एक्स को, तो साइन स्क्वायर एक्स मुझे ट्रांसफॉर्म करना है तो इस 2 को मैं इधर ले जाऊंगा, तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इक्वल्स टू दिस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है, मैंने वही फॉर्मूला लगाया, मैंने साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 बाई 2। ट्रांसफॉर्मेशन समझना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में ही बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अब देखो इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो एंगल में, तो ये फाइनली हो जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा कॉस 4x प्लस 10 अपॉन 2। अब चाहो तो दोनों अलग अलग कर लो, ये 1 बाई 2 इसको ऐसे लिख लो, मैं बताता हूँ कैसे लिखो। इसको लिखो 1 बाई 2 अलग कर लो, 1 बाई 2 dx माइनस, फिर ये 2 इससे भी डिवाइडेड है तो 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया cos 4x प्लस 10 टू dx। अब 1 बाई 2 dx का तो जानते हो x हो जाएगा, तो ये हो गया x बाई 2 माइनस cos x का क्या हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा sin x, तो माइनस 1 बाई 2 sin x की जगह ये पूरा है मतलब 4x प्लस 10, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहता है वो अपॉन में लिख देते हैं। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। चलो और भी क्वेश्चन बताता हूं, जल्दी जल्दी करते चलते हैं। आगे देखो, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, अगला ही आपका क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स। इसको मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा कि साइन क्यूब एक्स को कैसे डील करो। एक तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड्स इसको कर सकते हो, और दूसरा आप फॉर्मूला अगर आपको याद है साइन क्यूब एक्स का या साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उससे आप आराम से कर सकते हो। तो देखो साइन क्यूब एक्स है, इसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगा रहा हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स को आइडेंटिटी लगा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो, बताता हूं क्यों लिख लो, साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। अब आप यहां पे कॉस एक्स को टी आराम से पुट कर सकते हो, लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। जैसा कि मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में बताया था कि जहां आपको डेरिवेटिव दिखाई देने लगे एक फंक्शन का दूसरा, जैसे मान लो कॉस एक्स को अगर मैं टी पुट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव साइन एक्स आएगा, वो मुझे प्रेजेंट है तो मैं उसको आराम से टी पुट कर सकता हूं। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स डीएक्स इक्वल्स टू डीटी। अब ये माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस डीटी हो जाएगा, तो फाइनली ये हो गया
माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, तो मैंने माइनस लगा दिया, वन माइनस कॉस एक्स की जगह मैंने टी पुट किया, तो ये हो गया वन माइनस टी स्क्वायर डी टी। क्लियर है? अब इसको इंटीग्रेट करो अगर अलग अलग करके, तो वन का क्या हो जाएगा, हो जाएगा टी, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस, और ये फिर माइनस माइनस प्लस, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई थ्री प्लस टी। अब टी आपने किसको पुट किया था, आपने टी पुट किया था कॉस एक्स, तो यहां पर रख दो माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का क्यूब बाई थ्री प्लस सी। ठीक है बच्चों, एक अप्रोच तो ये हुआ कि आपने क्या किया, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया। अगर मान लो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पता है तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन सीखो। चलो इसको मैं मिटाता हूं, स्क्रीन शॉट ले लिया करो, अपना समय व्यर्थ करने का बिल्कुल भी समय नहीं आपके पास, क्लास ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जाम एकदम पास है, तो समय तो बिल्कुल भी मत वेस्ट करिए आप। अब इसको कैसे करोगे, जैसे मैंने साइन क्यूब एक्स को ट्रांसफॉर्मेशन लगा, तो साइन क्यूब एक्स को क्या आप सीधे लिख सकते हो, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, नहीं सॉरी 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 सॉरी, मैं साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला पहले आपको बताता हूँ। सॉरी एक पहले आप साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला देखो, साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। ठीक है बच्चों, साइन थ्री एक्स का ये फॉर्मूला होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। अब हमें क्या चाहिए, साइन क्यूब एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है, तो क्या मैं यहां से साइन क्यूब एक्स निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको इधर भेजूंगा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन थ्री एक्स, ये माइनस थ्री साइन एक्स, इसको इधर ले लेते हैं, चलो माइनस फोर साइन क्यूब एक्स को इधर ले लो, तो फोर साइन क्यूब एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स। ठीक, और इस फोर को आप उठा के इधर ले लो, सिंपल हो गया, देखो कैसे हो गया, ये आ गया थ्री बाई फोर साइन एक्स डी एक्स, अलग अलग लिखता हूं माइनस, यहां पे कुछ नहीं है वन, तो वन बाई फोर, और ये साइन थ्री एक्स डी एक्स। और बच्चों अब तो आपको आ ही रहा होगा कि सर आराम से साइन एक्स का इंटीग्रल कर लेंगे और साइन थ्री एक्स का इंटीग्रल कर लेंगे, चलो इसका कर लो, तो साइन एक्स का क्या हो गया माइनस कॉस एक्स, तो माइनस थ्री बाई फोर कॉस एक्स माइनस साइन थ्री एक्स का क्या हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस ये हो गया। और सुनो साइन वन बाई फोर ऑलरेडी है, साइन थ्री एक्स का हो गया कॉस थ्री एक्स, और आपको पता है थ्री एक्स का हो जाएगा वन अपॉन थ्री ले लेंगे, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा वन बाई ट्वेल्व प्लस। ठीक है, एक चीज का बेटा और भी ध्यान रखना कि इंटीग्रल में आंसर अलग अलग आता है, क्योंकि अप्रोच पे डिपेंड करता है कि आपने कहीं साइन एक्स लिखा है या कहीं आपने उसी साइन एक्स को वन अपॉन कॉसेक एक्स लिख दिया है, तो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे तो आंसर अलग अलग आएगा, तो इससे वरी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, काफी बच्चे पूछते रहते हैं। अब देखो और भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन सिखाता हूं, जैसे एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, इसको रहने देता हूं आप लोग देखते रहो। अब अगला क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का ही है, क्वेश्चन नंबर एट देखो, मैं 7.3 एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, 7.3 का एक क्वेश्चन नंबर एट है एनसीईआरटी। चलिए ये है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, अगर आपको समय की अपनी चिंता हो, आपको समझ में आता हो, तो आप 2x की स्पीड से 1.5 की स्पीड से आराम से देख सकते हो। ठीक है, समय आपको व्यर्थ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हाँ अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो जरूर देखो। देखो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, मैं ये लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, हाफ एंगल फॉर्मूला इसको कहते हैं। और 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है डी एक्स। अब देखो 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू 1 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया। अब यहां भी समझ रहे हो सर टेन स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन आप आइडेंटिटी का यूज करो, कौन सा आइडेंटिटी, ये वाला कि sec स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो अगर मुझे टेन स्क्वायर एक्स निकालना है तो उसको उधर भेज दूंगा और ये 1 को इधर ले लूंगा, तो फाइनली मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 dx। ठीक है बच्चों, अब sec स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रल पता है sec स्क्वायर एक्स बाई टू का, और 1 का भी पता है, 1 मतलब dx का x हो जाए। ठीक है, कर लेना, फिर आगे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, आप ट्राई जरूर करते रहो अपने से, ये नहीं केवल देख के काम चलाओ, आपको पेन पेपर लेके बैठना चाहिए जब भी कहीं पढ़ रहे हो,
मैथमेटिक्स का मतलब ही यही होता है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दिया हूँ आपके लिए और बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ, जो जिस क्वेश्चन में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, मैंने उसको कोशिश किया है कि मैं उसको सिंपल अप्रोच से मैं आपको करा पाऊँ, क्योंकि वीडियोस तो काफी अवेलेबल है, इंटरनेट पे सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, लेकिन आपको दिक्कत आती है जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको स्टेप्स याद करने पड़ते हैं, तो उससे मैं आपको बचा ले जाऊंगा। आप देखते रहो, जैसे है एक साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, क्वेश्चन नंबर शायद 12 है, हाँ शायद का 12 ही है, यस, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। अब बच्चों देखो अप्रोच क्या होना चाहिए, एक तो आप ये सोचोगे कि सर किसी को डी पुट करा जा सकता है क्या, जैसे कॉस एक्स को डी पुट करे फिर साइन एक्स वाला, वो भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स और साइन एक्स अलग अलग लिख सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन देखो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स को, क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? देखो ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा देखो यहाँ पर मिलने वाला है साफ साफ, साइन स्क्वायर एक्स को मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ और वन प्लस कॉस एक्स अपॉन में है, ठीक है बच्चों? अब बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पढ़े हो कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब एक बार दोनों को जोड़ दो एक बार दोनों को घटा दो, तो क्या यहाँ वन को मैं एज अ वन स्क्वायर ट्रीट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो एक हो जाएगा वन माइनस कॉस एक्स, दूसरा हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। देखा ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा, यह आसानी से ये कट गया और फाइनली आपको क्या मिला, इंटीग्रल ऑफ वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप इसको आराम से कर लो, वन का क्या हो गया एक्स, कॉस एक्स का क्या हो गया साइन एक्स प्लस सी, ठीक है बच्चों समझ में आ रहा होगा, गुड। अब आगे देखते हैं, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, जहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है, जहां पे बच्चों को लगता है कि सर ये क्वेश्चन कैसे किया गया होगा, और काफी कुछ अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को लोगों ने करने की कोशिश करी, मैं भी कोशिश करता हूं आपको ताकि समझ में आए बढ़िया। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 13 दे देता हूं, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लगाए होंगे तो आप लोगों ने जरूर देखा हो और प्रॉब्लम भी फेस किया हो। क्वेश्चन कह रहा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, अल्फा ये अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। पहले सोचो, पहले तो वीडियो को पॉज करो और अपने से ट्राई करने की कोशिश करो, जितने अप्रोच लगा सकते हो वो लगाओ, जितने भी अप्रोच लगा सकते हो आप करो। क्वेश्चन सही है dx, ठीक है, पॉज कर लिया क्या? नहीं हुआ, ठीक मैं बताता हूं। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा को कैसे करेंगे? अब देखो आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा मैं बताता हूं। यहां से cos x है, यहां पे जो cos x है उसको cos 2x बना दो, तो हाफ एंगल फॉर्मूला से कंप्लीट एंगल फॉर्मूला हो जाएगा, तो क्या cos 2x का एक फॉर्मूला नहीं हो जाएगा, वन उधर चला जाएगा और हाफ एंगल खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, यहां से ये फॉर्मूला बन जाएगा, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो क्या मैं जहां cos 2x है वहां पे लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1? बताता हूं क्यों लिख सकता हूं, देखो समझो, अप्रोच ही तो सिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि मैं आप में अप्रोच डेवलप कर पाऊं, क्योंकि जब एग्जामिनेशन में सामने क्वेश्चन आएगा तो दिमाग उतना ज्यादा काम नहीं करता क्योंकि प्रेशर होता है, तो उस केस में आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करके जाओ ताकि आप आसानी से कर पाओ, ये सब मैं आपको सिखाने के लिए आया। तो cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos square x माइनस 1, 2 cos square x माइनस 1 बिल्कुल लिख सकता हूँ, माइनस cos 2 अल्फा को भी मैं वही लिख सकता हूँ, 2 cos square अल्फा माइनस को 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। क्लियर बच्चों, ये बात समझ में आया मैंने क्या किया, अरे मैंने cos 2x का फॉर्मूला यूज कर दिया 2 cos square x माइनस 1, ठीक है। अब सुनो, इसको ओपन करोगे तो ये माइनस 1 और ये प्लस 1, माइनस 1 ये और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 इसमें से 2 इसमें से कॉमन करो, तो यहां बचेगा cos square x माइनस, यहां पे क्या बचेगा cos square alpha अपॉन cos x माइनस cos alpha, क्लियर है? ठीक, तो जब मैंने यहां से कॉमन कर लिया 2, अब देखो cos square x minus cos square alpha, अभी फॉर्मूला बताया a square minus b square का फॉर्मूला लगा dx, अच्छा ध्यान रखना इंटीग्रल करते समय dx वगैरह या प्लस ये सब छूट ना जाए क्योंकि नंबर कट जाते हैं, हम लोगों से भी छूट जाता है कभी कभी, तो a square minus b square का जो फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या होता है a plus b minus b, तो एक हो जाएगा cos x plus cos alpha, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा cos x minus cos alpha
अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डीएक्स। क्लियर? अब देखो ये माइनस वाला कट गया, इससे कट गया, क्या बचा? अच्छा टू भी है, टू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, क्या बचा? टू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डीएक्स। ठीक है, अब अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। एक्चुअली ये वेरिएबल है लेकिन ये वाला तो कॉस अल्फा कॉन्स्टेंट होगा, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? साइन एक्स, ये हो गया टू साइन एक्स। ठीक, कॉस अल्फा तो इंटीग्रेट होगा नहीं, इसके साथ डीएक्स इंटीग्रेट होगा तो प्लस एक्स आएगा, इन टू एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस टू एक्स कॉस अल्फा प्लस सी। अरे कॉस अल्फा बाहर ले लोगे और यहाँ पे क्या मिलेगा? डीएक्स, तो डीएक्स का इंटीग्रेट करो तो एक्स मिलेगा, ऑलरेडी ये टू मल्टीप्लाइड है तो टू एक्स कॉस अल्फा प्लस सी, और इसका हो गया टू साइन अल्फा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन और करते हैं। चलो फॉर्मूला पे ध्यान रखना, और अगर आपको फॉर्मूले की पूरी लिस्ट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे अननोन मीडिया डालना है सर्च में, @_unknownmedia आपको मिल जाएगा। चलो हाँ, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। हाँ बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन क्या है? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है डीएक्स, कोई अप्रोच, कोई दिमाग में कोई बात आ रही है? सोचो, पॉज करके पहले तो लिखो, सोचो पहले, पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, नहीं आ रहा फिर देखो। चलो क्या मैं इसको पहले सेपरेट कर सकता हूँ, दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इंटीग्रल ऑफ ये हो गया साइन क्यूब एक्स, क्या मैं ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं देख नहीं रहा है कुछ। चलो कुछ और करते हैं, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है चलो ये सही अप्रोच है, प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, नहीं सही अप्रोच है ये तो, मजा आ गया। फायदा देखो क्या मिलेगा, इस साइन स्क्वायर एक्स से साइन क्यूब एक्स को काटोगे तो यहाँ पे साइन एक्स बचेगा, सिमिलरली यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से इसको काटोगे तो कॉस एक्स बचेगा, सही है यार। अब यहाँ आपको मिल गया इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन, देखो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा पूरा लिखता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस ये मिला कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखो बच्चों इंटीग्रल का करने का एक ही तरीका है कि आप इंटीग्रल को बार बार करें, बार बार करने से ही सोच डेवलप हो पाएगा, अप्रोच डेवलप हो पाएगा और तभी आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, एक बार में नहीं होता है। ठीक है चलिए, अब साइन एक्स अपॉन एक इसका कॉस एक्स लोगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो गया, और कॉस एक्स नीचे तो ये फाइनली बन गया सेक एक्स टेन एक्स डीएक्स प्लस ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना हो जाएगा? कॉट एक्स, और ये कॉसेक एक्स, ये फाइनली हो गया कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स। ठीक है बच्चों कितना सिंपल हो गया, आपको पता है इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है, sec x tan x का क्या हो गया? sec x हो गया, और cosec x cot x का क्या हो गया? माइनस cosec x हो गया प्लस c, हो गया ना सिंपल। आप थोड़ा सा, मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि आपने पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन देखा होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि जैसे ही क्वेश्चन सडनली आपके सामने आ रहा होगा प्रॉब्लम हो रही होगी सर अप्रोच कौन सा अपना है। और हाँ इंटीग्रल में एक चीज तो और है कि घबराना नहीं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बड़े होते हैं तो टाइम लेते हैं, उनमें एक दो तीन चार पांच प्रोसेस ऐसे प्रोसेस लगते हैं, तो घबराने नहीं, वन बाय वन टैकल करने की कोशिश करो, मार्क्स भी तो बढ़िया मिल जाते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन है, देखो जिसकी मैं बात कर रहा था वो क्वेश्चन आ ही गया, नोट कर लिया? चलो मैं मिटाता हूँ और करता हूँ उस क्वेश्चन को, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों हंस रहा था। देखने में इतना सिंपल क्वेश्चन लगेगा फिर अप्रोच लगेगा कि यार कहाँ से डेवलप करूँ क्या करूँ। जैसे क्वेश्चन है 21st, 21वें नंबर का क्वेश्चन है साइन इनवर्स कॉस एक्स, ये एक्सरसाइज 7.3 का 21वें नंबर का क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। अब बच्चों यहाँ पे क्या अप्रोच डेवलप करा जाए, कैसे करोगे सोचो, एक बार पॉज करके पहले ट्राई करने की कोशिश करो,
समझ में आया कितनी दिक्कत हो रही है। अब मैं बताता हूँ, पहले तो एक काम करो cos x को t पुट करो। अच्छा घबराओ नहीं, बताता हूँ। सोच रहे हो ना कि सर cos x को t पुट करेंगे तो sin x कहाँ अवेलेबल है डिफरेंशिएशन में, या उसका डेरिवेटिव कहाँ अवेलेबल, बताता हूँ, घबराना नहीं। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपको डेरिवेटिव अवेलेबल ही, कुछ चीजें अपने से ही करनी है। जैसे मैं समझाता हूँ, cos x को t पुट करो पहले, लेट cos x इक्वल्स टू t, इसका डेरिवेटिव करो। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x dx, हो गया इक्वल्स टू dt, क्लियर है। अच्छा अगर मैं यहां से केवल dx की वैल्यू निकालू तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt अपॉन माइनस sin x हो जाएगा। अच्छा आपको पता नहीं कि अगर cos x की वैल्यू t है तो क्या मैं यहां से sin x की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला यूज करते हुए नहीं लिख सकता हूं। cos x की वैल्यू t है तो क्या इसकी वैल्यू 1 माइनस t स्क्वायर नहीं हो जाएगी? अरे sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है, तो sin x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा, और cos स्क्वायर x cos की वैल्यू t है तो 1 माइनस t स्क्वायर हो गया। मतलब फाइनली इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, dx इक्वल टू माइनस ऑफ dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर लिख सकता हूं। बच्चों समझ में आया? अब ये चीज dx की जगह इस पूरे चीज को लिख दो, और जो अभी हमने अप्रोच अपनाया कि cos x को t पुट करो वो भी करो। देखो बताता हूं, घबराना नहीं, बड़े क्वेश्चन को वैल्यू करना सीखिए, आपको बड़े क्वेश्चंस की वैल्यू करनी पड़ेगी और समय देना पड़ेगा। जब एक बार समय दे दोगे तो वहां से बड़े मार्क्स आपको मिलते हैं। देखो जैसे ये हो गया फाइनली साइन इनवर्स टी इंटू डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये माइनस ये वाला, क्लियर है बच्चों? समझना अब हो गया। अब आपको भी पता होगा कि सर अगर मैं साइन इनवर्स टी को कुछ पुट कर दूं, तो साइन इनवर्स टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट में ये होता है। तो क्या मैं यहां पे एक और सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा, लेट साइन इनवर्स टी इक्वल्स टू यू, ले लो वी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक। तो इसका डेरिवेटिव निकालो, तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू डी यू, क्लियर है? अब सब्स्टिट्यूशन लग गया, अब इजी हो गया ये, तो फाइनली ये बन गया माइनस साइन इनवर्स टी को तो आपने क्या पुट कर दिया, यू, ठीक है, कुछ छोड़ तो नहीं है, नहीं, ठीक, साइन इनवर्स टी को यू पुट कर दिया है, तो ये खत्म हो गया, तो केवल ये बचा है यू डी यू डी यू दैट इज सी यू से अब यू को इंटीग्रेट करिए तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू, ठीक है, माइनस साइन है प्लस सी। अब आपने यू को क्या मान रखा था, साइन इनवर्स टी, ठीक है भाई, तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन इनवर्स टी का स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। अब टी किसको मान रखा था आपने, टी मान रखा था कॉस एक्स को, पुट कर दो तो ये फाइनली हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स cos x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। अच्छा बच्चों कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन कराते हैं तो कहीं कहीं वीडियो में क्या होता है, कभी कभी माइनस छूट जाता है, या माइनस को हमने उधर का इधर लिख दिया, तो उतना अंडरस्टूड है कि ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है, तो आप करेक्ट कर लिया करो, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा उम्मीद है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ बच्चों। देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, मिनिमम 5 बार करो, तो दोबारा वो गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे लिखा है साइन इनवर्स ऑफ cos x dx। अब मैं क्या कर सकता हूं कि cos x को t पुट कर दिया, पुट करते समय आपको लगेगा सर क्यों पुट करा रहे, तो आप ये समझो ना कि मैं ऐसा भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूं कि cos x का हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो फाइनली डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स, ठीक। अब साइन एक्स को यहां से मैं निकाल सकता हूं क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाला फॉर्मुला, तो वहां से मैं साइन एक्स निकाल लिया अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर मैंने यहां पर रख दिया तो डी एक्स इक्वल टू आ गया डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज को मैंने यहां पर पुट कर, ठीक, तो फाइनली हमारा जो बन गया साइन इनवर्स टी इंटू डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और वो वाला माइनस यहां लग गया, ठीक। अब मैं एक सब्स्टिट्यूशन और लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि इसका डेरिवेटिव तो हमारे पास है, और जैसे ही ये मुझे मिल गया इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं, हाँ इस क्वेश्चन करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22,
ये भी आपको खूब परेशान किया होगा, मैं बताता हूं। पहले इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कैसे होगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 7.3 का कहता है कि 1 अपॉन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस आई थिंक एक्स माइनस बी, हाँ एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या अप्रोच रहेगा, तो पहले तो वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो, नहीं आ रहा तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे करके होगा। देखो आपने किया होगा तो आपको लगा होगा सर यहाँ पे ऊपर तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, टीवी पुट कर रहा हूं तब भी नहीं हो रहा, कोई फॉर्मूला लगा रहा हूं तब भी नहीं होगा। तो ऐसे केस में आपको वैसा कुछ ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, ऐसा कुछ बनाना पड़ता है ताकि हम इजिली या तो इसको कैंसिल आउट कर पाए या कुछ ऐसा टर्म बना लें जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। तो ऐसे केस में यहाँ पे बेटा एक ट्रिक लिख लो कि ऐसे केस में जब यह ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको साइन ए माइनस बी से साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना इस इक्वेशन को, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड भाई मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली क्या आपको ऐसा करना पड़ेगा, वन अपॉन साइन इसको एक तो बाहर लिख लो, नीचे वाला जो डिवाइड होगा उसको बाहर लिख लो क्योंकि हमें ऊपर वाले से मतलब है, क्यों है बताता हूं। इंटीग्रल ऑफ साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब समझो बच्चों, समझ में आ रहा होगा कि सर आपने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया, क्यों किया ऐसा, क्यों ही हम ये याद रखें कि साइन ए माइनस बी होगा। तो बच्चों पहले पूरा एक बार ध्यान से समझ लो तो समझ में आ जाएगा कि साइन ए माइनस बी रखना जरूरी क्यों है। देखो बेटा मुझे एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी नीचे दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर भी करना पड़ेगा और इसकी वजह से, और हाँ इस वजह से यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इस वजह से मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी लेना पड़ेगा। तो अपने पास यही है कि किसी भी चीज में कुछ भी हम जोड़ और घटा दोनों सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो चीज बैलेंस ही रहता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे साइन ए माइनस बी से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखो, अब मुझे फाइनली एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी ऊपर बनाना है, तो मैं ऐसा लिखूंगा वन अपॉन साइन ए माइनस बी, इसको तो बाहर ही रहने दो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। चलिए अब मुझे इसको एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी कैसे बनाऊं, तो अगर मैं इसको एक्स जोड़ू और घटाऊं साइन, क्या ऐसा होगा एक्स माइनस बी माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ठीक है। देखो क्या ऐसा हो सकता है, देखो x मैंने जोड़ा था, x यहाँ पे घटाया, माइनस साइन लिया तो ये कट जाएगा। अच्छा अब इसका साइन चेक करो कि मैंने यहाँ पे माइनस लिया है तो ये प्लस के हो गया और ये माइनस भी हो गया, ठीक है, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस ले लिया ताकि ये a को मैं माइनस बना पाऊँ क्योंकि a यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे b को मैंने माइनस बना दिया और यहाँ पे नहीं ऑलरेडी ये तो माइनस था ही तो बाहर लिख दिया, बस कुछ नहीं किया। तो अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नीचे वाले के बराबर मैंने बना दिया एक्स माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी। अब इसको साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले पे एक्सपेंड करो, ऊपर साइन ये इसको ए की तरह ट्रीट करो या एक्स की तरह ट्रीट करो, उसको बी की तरह ट्रीट करो और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए। चलिए लगाते हैं, तो ये हो गया वन अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ साइन ए कॉस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी, लिख दूं चलो भैया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बात करो रखो यहाँ पे साइन ए मतलब साइन एक्स माइनस बी कॉस बी, बी की जगह एक्स माइनस ए माइनस कॉस ए मतलब एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी, ठीक होल अपॉन क्या है कॉस एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस बी नहीं कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ठीक है। अब बच्चों देखो अब हो गया, अब कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, अब तो हो गया। अब इसको क्या करो डिवाइड कर दो इंडिविजुअली, इससे इसको डिवाइड कर दो, टर्म्स अलग अलग कर दो और इससे इसको डिवाइड कर दो। तो सिंपली अब थोड़ा स्पेस की कमी की वजह से मुझे इसको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। अब देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना स्पेस, तो ये आ गया वन अपॉन साइन ए माइनस बी
इंटीग्रल ऑफ, देखो मैं सीधे लिख रहा हूं, जब इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो साइन एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी, और कॉस एक्स माइनस एक कॉस एक्स माइनस एक कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बचेगा साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, इसको लिख सकता हूं मैं टेन एक्स माइनस बी, ठीक है डीएक्स माइनस बीच में माइनस लिख लिया, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी होगा वन माइनस साइन ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ, अब सुनो इससे इसको डिवाइड करो तो क्या क्या कट रहा है, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा, तो बचेगा साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, ये भी हो गया टेन एक्स माइनस ए डीएक्स, ठीक है बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, अरे मैं कुछ नहीं किया हूं, इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, दोनों को टर्म्स को अलग अलग कर दिया। अब देखो भाई, अब ध्यान सुनो, अब मैं इस स्पेस को यूज करता हूं, अब ये हो गया, आपको टेन का फॉर्मूला पता है, अरे टेन को कैसे, टेन का क्या किया गया, सुनो टेन एक्स आएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या बनाते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बनाते हैं, कॉस एक्स को हम क्या करते हैं टी पुट कर देते हैं, तो लॉग कॉस एक्स आ जाता है, माइनस लॉग कॉस एक्स आ जाएगा ना, क्योंकि कॉस एक्स को अगर टी पुट करोगे देख लो, तो इसका हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो यहाँ पे माइनस लग जाता है, तो ये उसका हो जाता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, तो मैं वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दूंगा माइनस लॉग कॉस एक्स, चलो तो ये फाइनली बन जाएगा हमारा, देखना बच्चों ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन ए माइनस बी, इसका हो गया माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, तो माइनस मैं यहां पे लगा लेता हूं लॉग कॉस एक्स माइनस बी, माइनस यहां लगा लो इन टू ये, ठीक, और इसका भी माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस वन अपॉन साइन ए माइनस बी, इसका भी हो जाएगा माइनस लॉग, तो माइनस मैंने पहले से ले लिया है कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया, समझ में नहीं आया, आप यहाँ पे एक, हाँ एक सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे और भी यूज कर लो, लॉग एम लॉग एम लॉग एम हो जाएगा, एम प्लस एन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या ही जरूरत है, ठीक है इतना ही सही है, ठीक है चलो बात समझ में आई क्या, फिर से समझा देता हूँ, ऐसे केस में जब भी आपको नीचे दिखाई देगी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, दिमाग एकदम तहलका मच जाएगा भाई क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे केस में क्या करें, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है x माइनस ए एक्स माइनस बी, ये मुझे कहीं से भी न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में मुझे लाने के लिए साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर साइन ए माइनस बी को मैंने ट्रांसफॉर्म x माइनस ए और x माइनस बी में कर दिया, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, आपके सामने आंसर आ गया, ठीक है बच्चों चलो आगे देखते हैं, हाँ एक क्वेश्चन और बचा है, वह शायद 24 है, एमसीक्यू का होगा शायद, चेक कर लेना बच्चा, ठीक है क्वेश्चन नंबर 24 में करा देता हूँ, चलो नोट कर लो फटाफट, बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन कह रहा है ई टू द पावर एक्स इंटू वन वन प्लस एक्स इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स cos स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स डी एक्स, ठीक e टू द पावर x इंटू वन प्लस एक्स अपॉन cos स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स डी एक्स, अच्छा आपको करना है तो पहले तो वीडियो को पॉज करो ट्राई करो क्या, चलो देखो अगर नहीं आ रहा है मैं समझाता हूँ क्या करना है, आपको एक जगह सब्स्टिट्यूशन लगाना है, आप सब्स्टिट्यूशन लगेगा कैसे, आपको दिमाग में आ ही नहीं रहोगे सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा सब्स्टिट्यूशन वाला, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ कैसे लगेगा, एक बार इसको टी पुट करके चेक करो, ठीक है इसको टी पुट करते हैं e टू द पावर x इंटू एक्स, लेट e टू द पावर x इंटू एक्स इक्वल्स टू टी, प्रोडक्ट रूल लगा के इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड मतलब e टू द पावर x, ठीक प्लस इसको एज इट इज रख दो और इसका डेरिवेटिव निकालो तो x इंटू e टू द पावर x आएगा, होल का dx इक्वल्स टू dt, क्या ऐसा ऊपर है, बिल्कुल है, अगर मैं इन दोनों से e टू द पावर x कॉमन करूंगा तो e टू द पावर x इंटू वन प्लस एक्स है, मैं फाइनली यहां से e टू द पावर x कॉमन करूंगा तो ये बचेगा वन प्लस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, हुआ ना जादू सब्स्टिट्यूशन का, बिल्कुल हुआ, तो क्या मैं e टू द पावर x इंटू वन वन प्लस एक्स डी एक्स को बाय डी टी लिख लूंगा, तो फाइनली हमारा ये बन जाएगा
वन अपॉन, ये तो पूरा डी टी में हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर टी डी टी। अब ये बन गया वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स क्यों लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन एक्स, तो मतलब वही हो गया टेन टी प्लस सी। ठीक, टी आपने किसको पुट किया, ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स को, तो ये आ गया टेन ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, समझ में, कुछ नहीं करना था, बस एक सिंपल सा काम करना था, ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स को टी पुट कर देना। शुरू में दिखाई नहीं देगा कि सर इसका डेरिवेटिव ऐसा, अरे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको मिल जाएगा। ठीक है चलो, तो ये रहा 7.3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कवर कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं 7.4 की तरफ। 7.4 में कुछ आपको स्पेशल फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, अंडर रूट में उसका क्या फॉर्मूला होगा, माइनस में होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, तो वो आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। क्योंकि देखो फॉर्मूला याद नहीं होगा तो इसके क्वेश्चन तो आपसे नहीं होंगे। एक चीज और है, आपको होल स्क्वायर बनाना सीखना है, वो मैं समझा देता हूँ कि होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से समझते हैं वन बाई वन। चलो इसको मैं मिटाता हूँ, चलते हैं 7.3 तो अपने हम लोगों ने कवर कर लिया, अब चलते हैं 7.4 की तरफ। चलो भैया 7.4 क्वेश्चन नंबर कौन सा उठाया हूं, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 8 का फर्स्ट। चलिए भैया एग्जाम्पल है क्या, 8 का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 60। इंटीग्रल ऑफ dx dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 60। चलिए हाँ, अब इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले फॉर्मूला, पहले क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है मैं बता देता हूँ। देखो इसको सिंपली आपको ऐसे वाले फॉर्मूले याद करने, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, या ए पहले आ जाएगा बाद में एक्स आएगा, ऐसे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मैं बताता हूँ, जिन जिन क्वेश्चन को मैं कराऊंगा उनका फॉर्मूला आपको जरूर दूंगा। और आपको पूरी फॉर्मूला की शीट चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां से डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो गया dx अपॉन x स्क्वायर, और 16 को क्या मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब ये कुछ फॉर्मूला बन गया बच्चों, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx का फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे केस में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a, अगर ये फॉर्म है तो ऐसे केस में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a log, इसको a प्लस बी माइनस बी लिखेंगे, a माइनस बी वाले को ऊपर लिखो, मतलब x माइनस ए ऊपर लिखा जाएगा अपॉन x प्लस ए नीचे लिखा जाएगा प्लस, ये फॉर्मूला बस यहाँ पे लगा लो। ठीक है, समझ में आया, 1/2a log x माइनस a अपॉन log x प्लस a प्लस c, तो फाइनली ये हो जाएगा 1/2a, a की जगह कितना है बेटा, a की जगह कितना है 4 है, तो ये हो गया 1/2 इंटू 4 log a माइनस बी, मतलब x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस का सी, और 2 4 8 हो गया। समझ में, तो इस एक्सरसाइज के अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो आपको फॉर्मूला तो बिल्कुल याद रहना चाहिए। हाँ, मैं कुछ फॉर्मूला में क्या मदद कर सकता हूँ वो मैं बताते चल रहा हूँ कि याद करने का तरीका ये है, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा बच्चों, तो ऐसे केस में क्या इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकता हूँ, तो ऐसे केस में आप इसको लिख सकते हो माइनस वाले को ऊपर लिख दो और प्लस वाले को नीचे लिख दो, लॉग में लिख दिया जाता है और 1/2a होता है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं और समझते चलो, कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कैसे करना, कैसे ये मैं जरूर बताऊंगा आपको। 8.1 के बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर है, अच्छा इसी का एग्जांपल का ही सेकंड पार्ट है 8 का। सारे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जितने भी मैं कवर कर सकता हूं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कवर करने की। वैसे ही मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत सारी चल रही है, बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही है, फिर भी उसमें मैं समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश पूरी कर रहा हूं। क्योंकि बच्चे पूछते रहते हैं कि सर कुछ ऐसा करिए जिसको मैं बार बार देख पाऊँ। क्लासेस तो मान लो आप एक बार सामने से देख रहे हो और आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप घर जाके भी देख पाओ, इसीलिए मुझे वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो हो गया एक डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30। आप इसको कैसे करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म है बच्चों। अब ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने की जरूरत है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कभी भी आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना हो
या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना हो, तो ऐसे केस में क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं? तो देखो जो मिडिल टर्म होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जो ये मिडिल टर्म है इसका हाफ करो। अच्छा मैं क्वाड्रेटिक आपको फील होने लगा क्वाड्रेटिक वाला बता रहा हूँ, नहीं क्वाड्रेटिक नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में जब ऐसा फॉर्म लिखा हो तो आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को लेना है। मिडिल टर्म कितना है, मिडिल टर्म का कोफिशियंट की बात कर रहा हूँ, मिडिल टर्म का कोफिशियंट है माइनस सिक्स, इसका हाफ करना है, स्क्वायर करना है और जोड़ना और घटाना दोनों करना है। नहीं समझ में आया क्या, इसमें ये चेक करना है कि मिडिल टर्म क्या है अपना। तो मिडिल टर्म कुछ है अपना माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स का हाफ करोगे तो माइनस थ्री आएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर कितना होगा नाइन, तो नाइन आपको एक बार जोड़ना पड़ेगा और नाइन घटाना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, आप हमेशा ये फॉर्मूला लिखो फटाक से कि मिडिल टर्म का क्या करना है, जो कोफिशियंट ऑफ मिडिल टर्म है उसका हाफ करिए, स्क्वायर करिए और एक बार जोड़ दीजिए घटा दीजिए, कंप्लीट स्क्वायर अपने आप बन जाएगा। देखो कैसे बन गया, देखो अब आपको यहाँ पे इसका प्लस माइनस कितना करना पड़ेगा, टू थ्री जै सिक्स, थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन, नाइन आप जोड़ो घटाओ बता रहा हूँ कैसे होगा। तो ये फाइनली हो गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री इंटू एक्स, लिख के दिखा रहा हूँ एकदम बच्चों की तरह बता रहा हूँ, चिंता मत करो। प्लस नाइन कर दिया हमने एक बार, ठीक है, और नाइन आपको जोड़ना भी था और नाइन घटाना भी था, पहले से थर्टीन था प्लस थर्टीन था और आपको माइनस थर्टीन करना पड़ा। अब देखो बच्चों आपको खुद रियलाइज हो गया होगा कि सर क्या कर रहे थे, देख लो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस टू बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ये इसको मैं क्या थ्री का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये फाइनली हो गया मेरा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। समझ में आया क्या, नहीं समझ में, मैंने क्या किया कि हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको इसको स्क्वायर बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सॉरी प्लस माइनस करना पड़ेगा कोफिशियंट ऑफ x का हाफ करना पड़ेगा, कोफिशियंट ऑफ x का जो साइन है उसके साथ लेना है, साइन हमेशा याद रखना साइन के साथ, कोफिशियंट ऑफ x का हाफ करिए स्क्वायर करिए और प्लस माइनस दोनों कर दीजिए। ये ट्रिक है किसी भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ऐसे इक्वेशन का a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए काफी। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए बच्चों, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, ये मान लो एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करो, पूरा को एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करो और उसको ए स्क्वायर की तरह ट्रीट करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगा है तो ये फॉर्मूला होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लगा दो यहाँ पे फटाक से, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फाइनली हो जाएगा वन अपॉन ए की जगह कितना है टू, तो ये हो गया वन अपॉन टू टेन इनवर्स x की जगह क्या है यह पूरा x माइनस थ्री और अपॉन a मतलब टू प्लस सी, सिंपल हो गया बच्चों। तो हमेशा याद रखना ऐसे इक्वेशन का जिसमें जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिए हो, जो जिनका तीन टर्म दिया हो, जिनको हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा आपको, x का जो कोफिशियंट होगा साइन के साथ उसका हाफ करिए स्क्वायर करिए और जोड़ना और घटाना दोनों काम करना है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है ध्यान रखना, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं आपको। आगे बिठाओ उसको, अच्छा तो काफी क्वेश्चन हम लोगों ने कवर करने की कोशिश करी है, और भी क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन लाए हम, जो भी आपको परेशान करते हैं सारे क्वेश्चन लेकर आना। हाँ अब एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन उसको कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे उसमें अप्रोच लगा मैं बताता हूँ। जैसे एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर अपॉन, पहला ही क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 1। अब बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ लोगों तो आ ही रहा होगा, उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पे एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन लगाना है, जिनको नहीं आ रहा है, जिनको आ रहा है वो तो स्किप करके आगे बढ़ते जाओ, जिनको नहीं आ रहा हो सुनो। देखो क्या मैं इसको x टू द पावर 6 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर अपॉन
एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस वन लिख सकता हूं। सोच रहे हो कि सर क्यों लिख सकते हैं, बता दो, क्योंकि अगर मैं एक्स क्यूब को अब टी पुट कर दूं तो उसका डेरिवेटिव मुझे प्रेजेंट है और ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन बन जाएगा, तब मुझे इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो फाइनली मैं ये करूंगा लेट, अच्छा आप एग्जाम में पूरा चीज लिखोगे लेट या कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, इसको आपको लिखना पड़ेगा नंबर चाहिए। तो आप लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो ये फाइनली ट्रांसफॉर्म होके हो गया, क्या हो गया, ये हो गया dt अपॉन, इसको आपने क्या पुट किया x क्यूब को t, तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यार छोड़ो ना यार, इसको क्या ही लिखने की जरूरत है, 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, अरे ये फॉर्मूला याद करो, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू सिंपली होता है tan इनवर्स x, तो सिंपली हम यहां पे फार्मूला लगा देंगे, तो फाइनली ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c, ठीक है। tan इनवर्स t किसको पुट किया है, tan इनवर्स t आपने पुट किया है किसको, 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 x क्यूब, तो tan इनवर्स x क्यूब प्लस c, कितना सिंपल हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। मैं सारे अप्रोच बता रहा हूं बेटा, कैसे एग्जामिनेशंस में करोगे, कैसे एक जब बोर्ड का एग्जाम आएगा या फिर किसी भी एग्जाम में जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहोगे, सीयूईटी दे रहोगे, जहां भी, तो आपको कैसे अप्रोच डेवलप करना है। अचानक क्वेश्चन सामने आया, ये तो नहीं बताया गया कि फलाने एक्सरसाइज का है 7.3 का 7.4 का, आपके सामने क्वेश्चन होगा, अप्रोच याद नहीं होगा किस एक्सरसाइज का है, कैसे किया था उस टाइम, तो इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सब सामने क्वेश्चन आएगा तो उस समय आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। देखो आगे देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज करिए 7.84 क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस 8 टू द पावर 6 डीएक्स, ठीक है। अब क्या करोगे, अब ऐसे केस में क्या अप्रोच लगाओ, पहले तो पॉज करो वीडियो, पॉज करके इसको करने की कोशिश करो, नहीं आ रहा तो पूछो। देखो मैं बताता हूं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अवेलेबल है, ऐसा करो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव को यूज कर लिया, तो क्या मैं इसको भी एक्स क्यूब की ओर टी पुट कर सकता हूँ, भाई इसको क्या मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस इसको भी ए क्यूब का स्क्वायर लिख लो, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। अब आराम से एक्स क्यूब को टी पुट कर दो, लेट अब तो बताने की जरूरत भी नहीं है, अब तो पिछला ही क्वेश्चन ऐसा करा है, एक्स क्यूब को टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। 3 को उधर भेज दो क्योंकि हमारे पास 3 अवेलेबल नहीं है, तो अपॉन में चला जाएगा, 3 को हटा दो और x स्क्वायर dx आपके पास अवेलेबल है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ये फाइनली फॉर्मूला बन गया आपके के लिए, तो ये बन गया क्या dt 1/3 बाहर ले लो अपॉन अंडर रूट ये हो गया t स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर बन गया ना 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, वो जो लॉग वाला फॉर्मूला होता है, लॉग एक्स प्लस क्या होता था, लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, जो है ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या था इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट में होगा तो ध्यान रखना, अगर ऐसे होता तो ये टैन इनवर्स हो रहा होता, अगर ये अंडर रूट ना होता 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो ये होता 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लेकिन जैसे अंडर रूट में आएगा ये आएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाँ एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखो बच्चों ध्यान से समझते चलोगे, पेन पेपर के साथ करते चलोगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इंटीग्रल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब नहीं करोगे तो उसका क्या ही इलाज है, एक और इलाज है डंडा जो आपको मैं वर्चुअली दे नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है sec स्क्वायर x इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4, बढ़िया क्वेश्चन है। जितने भी तरीके के डिफरेंट क्वेश्चन मुझे मैं ले सकता हूं, मैं आपके लिए दिया हूं, आप इसको प्रैक्टिस करो, बार बार क्वेश्चन करो, वीडियो को बार बार प्ले करो, जैसा समझ में आए वैसा करो और करने की पूरी कोशिश करो। और क्या कर sec square x, एक बार क्वेश्चन में लगाते हैं sec square x upon under root tan square x plus 4, हाँ अब इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, देखो
यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन 100% लगेगा, जैसे 10 और sec दिखाई दे आपस में वहां पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो अगर मैं 10x को t पुट कर दूं तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लिखो लेट 10x इक्वल्स टू t, 10x का क्या डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो फाइनली ये ट्रांसफॉर्म होके बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन अंडर रूट, आपने 10x को t पुट किया तो ये t स्क्वायर हो गया प्लस ये कितना हो गया 2y स्क्वायर। फिर लग गया वही वाला फॉर्मूला, कौन सा अभी जो लगाया था log x plus under root x square plus a square वाला फॉर्मूला। तो फाइनली ये हो जाएगा बेटा log x plus मतलब t plus under root t square plus 2y square plus, ठीक t की वैल्यू पुट कर, ये हो गया log t की वैल्यू हमने कितनी ली है 10x plus under root 10x का square plus 4 plus, ठीक है बच्चों समझ आया, सिंपल क्वेश्चन, कोई घबराने की जरूरत नहीं। हाँ एक क्वेश्चन और है, बढ़िया क्वेश्चन नंबर 24, पहले नोट करो फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कैसा क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म कैसे करते हो, क्या दिमाग लगाते हो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन कह रहा है कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, ठीक है। अब इसको कैसे करें, सिंपल जैसा पहले एक क्वेश्चन बताया था अपॉन वाला, जिसमें हम क्या करते थे x के कोफिशियंट को हाफ करते थे, स्क्वायर करके जोड़ते और घटाते थे, वही वाला अप्रोच करता हूं। यहाँ पे x का कोफिशियंट कितना है प्लस टू, तो टू का हाफ करोगे प्लस माइनस करोगे स्क्वायर करोगे और इसमें यूज करोगे, टू का हाफ कितना हो जाएगा वन, तो वन का स्क्वायर कितना होगा तो प्लस वन माइनस वन करना है। इस केस में आपका हो जाएगा सिंपली ये हो जाएगा dx अपॉन ये हो गया x स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, एक साथ ले लो प्लस टू ऑलरेडी था और इसका माइनस वाला वन ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया dx अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो गया बच्चों ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया प्लस टू में से बन जाएगा वन, तो वन को भी मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब फिर ये फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर कौन सा x square plus a square, tan inverse x वाला, under root नहीं है ध्यान रखना, फॉर्मूला में यही फर्क है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 upon a, 1 upon a मतलब 1 upon a मतलब 1 ही है, तो ये सिंपली हो जाएगा 1 upon a tan inverse x upon x क्या है ये, और एक तो है नहीं तो मतलब सीधे tan inverse x लिखोगे, tan inverse x plus 1 ब्रैकेट में लगा दिया plus c, क्लियर बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि ये दो एक्सरसाइज आपको बढ़िया समझ में आई होगी, मैंने कोशिश किया पूरा कि जितने भी 7.3 और 7.4 में जितने भी ट्रिक्स है, जितने भी परेशानियां जहां पे भी आपको दिक्कत होती है वो सारी चीजें मैं कवर कर दूं, ठीक है। और उसमें मैं आपकी मदद ये करूँ कि आपको अप्रोच कैसे डेवलप करना है ये भी मैं आपको समझाऊं। मैं ये केवल नहीं बता दूं कि सॉल्यूशन लिख दिया फिर आपको उससे दिक्कत होती है, सॉल्यूशन सिर्फ आपको समझ नहीं आ सकता, समझ तभी आएगा जब आपको कोई आपका कोई गुरु होगा जो आपको समझाने वाला होगा कि इस स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या होता है, ठीक है। तो मुझे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफी समझ में आया होगा, आपकी काफी हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच।